dear students, I hope you all will be fine. You all are welcomed in Aspire online classes. It's your computer online lecture. आज के online lecture में हम लोग types of e-commerce को discuss करेंगे. हमारे lecture के contents हैं types of e-commerce. तो सबसे पहले हमें ई कॉमर्स का पता होना चाहिए. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ई कॉमर्स क्या होता है. तो ई कॉमर्स का स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से मुराद ये है कि जब आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के ज़रिए से या इंटरनेट के ज़रिए से अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उनको ख़रीदते हैं या अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो इसको कहा जाता है ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स की आज हम लोग टाइप्स के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे. तो ये जो ई कॉमर्स है, इसकी थ्री टाइप्स होती हैं. उनमें जो सबसे पहली इसकी टाइप है वो है जी बिजनेस टू कंज्यूमर. बिजनेस टू कंज्यूमर की शॉर्ट फॉर्म है B2C. इसके अंदर बिजनेस बेसिकली एक किसी कंपनी को कहा जा रहा है और कंज्यूमर कोई एक कस्टमर है. जब कस्टमर इस टाइप के अंदर जब कस्टमर डायरेक्टली किसी कंपनी से किसी प्रोडक्ट को ख़रीद रहा होता है तो इस टाइप को कहा जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर. जब कोई कस्टमर डायरेक्टली किसी कंपनी से किसी प्रोडक्ट को बाय करता है, ख़रीदता है, तो इस टाइप को कहा जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर. आप सब लोगों को पता है कि हर एक ब्रांड की कोई एक वेबसाइट होती है. आप जब उस वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन उस कंपनी से कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे होते हैं तो डायरेक्टली जो कस्टमर है वो किसी कंपनी से किसी प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है. तो ये जो टाइप होती है, ठीक है, इस टाइप को कहा जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर. उसके बाद दूसरी ई कॉमर्स की टाइप है कंज्यूमर टू कंज्यूमर. इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जी C2C. जब कोई कस्टमर दूसरे कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो इसको कहा जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर. इस टाइप को कहा जाता है ई कॉमर्स की, इस टाइप को कहा जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर. फॉर एग्जांपल, किसी कस्टमर ने किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदी, उसको अब वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए या उसको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो वो आगे किसी और कस्टमर को वो सेल कर देगा. अब वो जो कस्टमर है वो किसी कंपनी को वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता. वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो कंपनीज हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करती हैं, वो प्रोडक्ट्स को ख़रीदती नहीं है. तो अब वो जो कस्टमर है वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को किसी और कस्टमर को सेल कर देगा. तो जब वो कस्टमर किसी और कस्टमर को वो सेल करेगा ऑनलाइन, ठीक है, तो इसको कहा जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर. ठीक है, जैसा कि आम तौर पे हम लोग OLX की बात करते हैं, ठीक है, तो OLX के ऊपर जो पुरानी चीज़ें होती हैं उन्हीं को सेल आउट किया जा रहा होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल ख़रीदा, अब वो मोबाइल मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो मोबाइल क्या कर दिया मैंने, अब मुझे क्या पता किस बंदे ने ख़रीदना है किसने नहीं ख़रीदना, तो मैंने उसको OLX के ऊपर लगा दिया ताकि जिसने भी ख़रीदना होगा वो इधर से देख के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लेगा. तो कोई वहाँ पे देखेगा कि हाँ भाई उस जिसको मोबाइल चाहिए वो देखेगा जब, तो वो मेरे साथ क्या कर लेगा, कॉन्टैक्ट कर लेगा और मैं अपना मोबाइल उस पर्सन को क्या कर दूँगा, सेल कर दूँगा. तो ये जो ई कॉमर्स की टाइप है इसको कहा जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर. तीसरी जो ई कॉमर्स की टाइप है वो है जी बिजनेस टू बिजनेस. इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है B2B. यानी कि एक कंपनी अपनी सर्विसेज किसी और कंपनी को प्रोवाइड कर रही होती है. ठीक है, इसकी एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, वो ये है कि एक मोबाइल कंपनी है,
वो मोबाइल कंपनी अपने मोबाइल्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी और कंपनी को ऑर्डर देती है। वो कौन सी कंपनी है जी? वो एड बनाने वाली कोई एक कंपनी है। अब उस मोबाइल कंपनी ने उस एड बनाने वाली कंपनी को ऑर्डर दिया कि जी आपने मेरे मोबाइल फ़ोन की एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। तो अब वो जो एड बनाने वाली कंपनी है वो अपनी सर्विस एक दूसरी कंपनी को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये जो ई कॉमर्स की टाइप है इसको कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस, इसको कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस। बट ये सारे का सारा काम किस तरह से हो रहा होता है? ऑनलाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए से ये सारे का सारा काम हो रहा होता है। दीज आर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। तो ये जो ई कॉमर्स है इसकी 3 टाइप्स होती हैं, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और बिजनेस टू कंज्यूमर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।